हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने दो अचार की रेसिपी लेके आई हूँ और ये अचार की रेसिपी इंस्टेंट बनता है और बहुत टेस्टी होता है। आज मैं जो दो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दो है लहसुन के अचार और हरी मिर्च के अचार। ये दोनों अचार बनाने के लिए आपको एक ही टाइप के मसाले की ज़रूरत है और आपका इंस्टेंट अचार रेडी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गार्लिक पिकल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम गार्लिक। मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबलस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, सौंफ और मेथी सीड्स, 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, हल्दी और नमक, 200 ग्राम सरसों का तेल और 2 स्पून विनेगर। पहले राई, सौंफ और मेथी के दाने को एक तवे पे 1 मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद इसको मैंने दरदरा पीस लिया है मिक्सर पे। अभी पैन में ऑयल गरम होने दे रही हूँ। ऑयल जब गरम हो जाए उसके बाद गैस ऑफ कर देना है और उसके बाद ही लहसुन ऐड करना है। और ये जब ठंडा हो जाए उसके बाद इसको गैस से उतार के मसाला मिक्स करना है पूरा, जो पहले हम लोग ने रेडी करके रखा था। और ये इंस्टेंट गार्लिक अचार रेडी हो चुका है। यह अचार आप तुरंत भी खा सकते हो, नहीं तो 2-3 दिन बाद इसको धूप सेकने के बाद खाओगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। लहसुन के अचार के जैसा हम लोग मिर्ची का भी अचार बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मिर्ची लिया है और बाकी सब मसाला सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स और जो रेड चिली पाउडर है उसको रिप्लेस करूँगी और यहाँ पर कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूँगी सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि ये मिर्ची का अचार है, ऑलरेडी तीखा होगा ही तो एक्स्ट्रा तीखा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़े में काट के लहसुन के जैसा इसको भी गर्म ऑयल में डाल रही हूँ और थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी गैस ऑफ है और ऑयल गर्म है और इसको ठंडा होने तक रख देना है। ऐसे ही ठंडा होने के बाद बाकी मसाला ऐड करना है। अभी ये मिर्ची ठंडा हो चुका है और अभी मैं इसके ऊपर मसाला ऐड करूँगी। ये जो मसाला ऐड कर रही हूँ ये मसाला वही मसाला है जो लहसुन में भी ऐड किया था, तीनों मसाले का दरदरा पीसा हुआ, राई, धनिया और मेथी का पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 स्पून मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हल्दी, नमक और विनेगर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सबको। मिर्ची और लहसुन के अचार को आप तुरंत भी खा सकते हो, नहीं तो 1-2 दिन धूप में रखने के बाद भी आप खा सकते हो। और ये अचार आप बोतल में रख के 3-4 महीने तक स्टोर कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इंस्टेंट बनने वाली अचार और बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।